सरकार का, यहाँ के हमारे सारे प्रशासन का बहुत शानदार कार्य यहाँ पर रहा है और उसी में हमको आगे आज अपन सब जो यहाँ पर बैठे हैं ये समझाने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। हम सब इस महामारी के SDM साहब जैसे पार्ट में राजस्थान के मुख्यमंत्री पार्ट है, वैसे आप सब भी पार्ट और हम सब पार्ट है, इससे हमको कैसे जूझना है। अभी हमारा खास करके व्यापारियों को खास करके ध्यान रखना है कि हमारी दुकान खुली है, लेकिन सतर्कता हमको खुद को रखनी है। हर दुकान के ऊपर बाहर गर्म पानी का मथा हमको रखना है, बिना ग्राहक को हाथ धोए उसे डील नहीं करना, क्योंकि एक ये ऐसी महामारी फैलने वाली विद्या स्थिति है कि जिसका कोई कंट्रोल नहीं है और उसके अंदर सतर्कता ही हमारी, और हम अगर करेंगे तो उसको 10 जगह बाद आगे जाएंगे। जैसा अभी नरेंद्र जी ने बताया कि टाइम फिक्स होना चाहिए, वो ठीक है प्रैक्टिकली हो पाए नहीं हो पाए, लेकिन हम हमारी तरफ से देखें कि जनता को भी काम हो जाए, हमारा भी हो जाए, कि बीच में पार्ट ना करके 10 से 5 बजे तक खोलें। ऐसा ये निर्णय अपन मिलकर के करेंगे व्यापारी के भी किस तरीके से कर सकते हैं। एक खास करके हमसे सारे लोग मिलेंगे, गाँवों के मिल रहे हैं सबसे, ये स्थिति अभी ऐसी है कि पटाखों की दुकान लड़ी पड़ी है पूरी 10,000 पटाखों की, और पूरे पटाखों गोदाम में 1,00,000 पटाखे पड़े हैं, लेकिन वो फूटने वाले नहीं, 1 साल तक नहीं फूटे जब तक उसको एक चिंगारी नहीं मिली। जिस दिन चिंगारी मिल जाती है लाखों पटाखे के 1 मिनट के अंदर फूट जाते हैं, और उस चिंगारी से हमको बचना, और उस चिंगारी को बचाने की जवाबदारी हमकी, पूरा प्रशासन चिकित्सा सब साथ है, जो बाहर से आ रहे हैं उनसे अंदर एक भी दिन उनसे मिस्टेक हो गई और चिंगारी लगे तो उतने तरीके से फटेगा, आज से बढ़िया है, लेकिन एक आदमी भीलवाड़ा में मिल गया तो 10,000 से 15,000 लोग उसके कहीं के संदेह के घेरों में आ गए और बड़ी स्थिति पूरे इक्विटी संदेह की व्यवस्था की गई। तो हमारा आप सबसे अपन सब जने ये मिलकर के कोशिश करें कि इसको हम कैसे कंट्रोल करें। पुलिस ने कल 1 बजे बाद कहीं लाटे वाटे हमारी, आप सब भी कह रहे हैं, नाना भाई ने भी कहा कि बाहर से घूम रहे हैं, बिल्कुल सख्ती करिए SDM साहब, या हमारे पूरे जनता की तरफ से हम सब की तरफ से कैसे बिना काम से रबड़ने वाले जो आ रहे हैं उनको तरफ बहुत लगाओ, घर पे जाते हैं और पहले संजय करिए युवा को खास हमारे उसमें, क्योंकि कोई दंगे वंगे नहीं है, एक जाति और दूसरी जाति के लिए कोई कर्फ्यू लगाने का ऐसा नहीं, ये हमारे पूरी मानव जाति के ऊपर आ पड़ा है। इसलिए ऐसे लोग जो लापरवाही बिना काम से घूम रहे हैं उनको सख्ती से बंद करें, जिसको आवश्यकता है वो सागवान खाएं और खरीदारी करें। तो हम सब लोग भी आपके साथ हैं, जो निर्णय इसके अंदर लेंगे हम आपके साथ हैं। दूसरा ये कि जैसा हमारे उपाध्यक्ष जी ने कहा कि भाई खाने के पैकेट जो हैं वो किस तरीके से अपन सूखी सामग्री उनको दे सकते हैं, तो सभी व्यापारियों से आग्रह कि अभी मानवीय दृष्टिकोण से जो लोग हमारे पास काम करते थे, नरेगा में काम करते थे, दूसरी जगह उनके पास रोज का खाना रोज की तनख्वाह मिलती थी, तब उन लोगों का चूल्हा जलता था, तो हमारे पास भगवान का दिया हो सके तो अपन जो एसोसिएशन वाले हैं सब तय कर कि अगले 30 दिन तक 1-1 दिन की सामग्री कौन सा एसोसिएशन देगा, कौन सी समाज देगी। अब उसके अंदर हम ज़्यादा लग्जरियस ना करके उनको आटा दाल सब्जी तक की व्यवस्था तक की खाने पीने की जरूरत है उतना, मतलब हम उनको व्यवस्था करें, छोटा सा जो पैकेट बन जाए या क्या कर सकते हैं, या दिन में 50-100 पैकेट कोई बाहर से अचानक आ गया उसको देने की भी जरूरत है, तो उसमें भी एकदम 50-50 पैकेट रोज बन जाए सुबह शाम, कि 10 पूड़ी होगी 1 सब्जी होगी और उनको वितरित कर दिया जाए। तो ये सब चीज़ों के ऊपर अगर अपन ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हम इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। खास करके बार बार वर्कशॉपों के ऊपर भी आ रहा है, सब कुछ चल रहा है, बहुत स्थिति गंभीर है, खुद को लेने की जरूरत है, बाहर में घूमने की जरूरत नहीं है, काम वाली बाई आ रही है वो भी इन्फेक्टेड हो सकती है, अखबार आ रहा है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है, दवाई का पैकेट आ रहा है वो भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इन सबकी जवाबदारी अपन सबकी है कि अपन आगे इसको आगे बढ़ाएं और बाजार के अंदर कम से कम निकलें और प्रशासन को पूरा सहयोग दें, और मैं फिर से प्रशासन का पूरा आभार हूँ, क्योंकि देश भर के अंदर हमें कई चीज़ें ये बात करने का कारण ये है कि कल शाम को हो गया कि ट्रांसपोर्टेशन बंद कर, तो पूरे राजस्थान के अंदर खास करके डूंगरपुर महाराष्ट्र के सारे मेडिकल के जो होलसेलर थे उन सब के मैसेज आए कि साहब बंद कर दिया, जयपुर के अंदर सेंटर गोल्डन जो है वो हमारे पैकेट नहीं दे रही, तो वहाँ पर बात की और फिर उनको आने दीजिए, लेकिन ये अफवाह फैल जाए, वो लेने के लिए भी तैयार थे, भेजने के लिए तैयार थे, लेकिन कहीं पर कम्युनिकेशन गैप हुआ कि साहब उसका दुकान लोकल प्रेस
जाके बंद करा के गोडाउन में तो खरा ही है, लेकिन अब नया सर्कुलर अभी फिर वापस जारी हुआ जिसमें भी दवाई आएंगी, खाद सामग्री आएगी, ये भी आएगी, और अच्छे तरीके से हम सबको मिलकर के इसके अंदर करना। और किसी को अभी भी कोई तकलीफ है, हमारा प्रशासन SDM साहब, MP साहब, तहसीलदार से 24 घंटे हमारे लिए तैयार है, लेकिन जो बात अपन को रखनी है वहाँ पर रखिए। और जो दानदाता मैं ब्रॉड्स का ग्रुप देख रहा हूँ, मैं शेखर भाई का भी धन्यवाद देना चाहूँगा, प्रदीप जी का, और जितने भी हैं सारी फैक्ट्री, कोई 200 मीटर कपड़ा दे रहा है, कोई 100 मीटर दे रहा है, कोई ये दे रहा है, ये अच्छी बात है, ये भगवान आपको देख रहा है कि आप किस तरीके से ये काम सब जने मिलकर कर रहे हैं, और ये हमको करना है। और जितने हमारे शाम में भी यहाँ बैठे हैं, उनके 24 घंटे हमारे ऑनलाइन रहते हैं सोशल ग्रुप के ऊपर, समाज सोसाइटी को मदद करने की, ऐसे लोगों को आगे आकर के करना चाहिए। हमारे गोविंद भाई दर्जी हैं, मैंने देखा दो दिन हमारे टेलर हैं, वो सारे दिन 4-5 हज़ार उन्होंने जो है वो फ्री में सीने का सी रहे हैं। मैं इन सब से चाहूँगा कि ऐसे जो वाकड़ के रख रहे हैं उनको बुला करके उनको मतलब इस महामारी के अंदर जो सारा काम छोड़ करके और ये मास्क सी रहे, ऐसे लोगों का सम्मान होना चाहिए।